दें कि दूसरे वनडे में इस खिलाड़ी के लिए विलन साबित हुए हैं कप्तान रोहित शर्मा। अपने चहेते खिलाड़ी के लिए इस प्लेयर से की है नाइंसाफी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला जा रहा है। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए खिलाड़ी के लिए सबसे बड़े विलन साबित होते नजर आए हैं। दरअसल बात करते हैं, रोहित शर्मा ने अपने चहेते खिलाड़ी को मौका देने के चक्कर में भारतीय टीम के एक खिलाड़ी के साथ उन्होंने किया है ये नाइंसाफी। बता दें, टैलेंटेड खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी कर दी है रोहित शर्मा ने। कप्तान रोहित शर्मा ने इस टैलेंटेड खिलाड़ी को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में मौका भी नहीं दिया था। बता दें, रोहित शर्मा अगर दूसरे वनडे मैच में इस खिलाड़ी को मौका देते थे तो वो न्यूजीलैंड के लिए काल साबित भी हो सकते थे, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने खतरनाक ऑलराउंडर शहबाज अहमद को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में मौका बिल्कुल नहीं दिया। ये खिलाड़ी बेहद खतरनाक है और न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में ये क्रिकेटर कप्तान रोहित शर्मा का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता था, लेकिन शहबाज अहमद को मौका नहीं दिया गया। कप्तान रोहित शर्मा ने अपने चहेते स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया है, जो पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विलन साबित हुए थे। वही वाशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया को मैच हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, लेकिन टीम इंडिया ने जैसे तैसे इस मैच को 12 रनों से जीतकर एक शर्मनाक हार को टाल दिया। बताते हैं, ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 7 ओवरों की गेंदबाजी में 50 रन लुटा दिए थे। इस दौरान वाशिंगटन सुंदर को एक भी विकेट नसीब नहीं हुआ। वाशिंगटन सुंदर का इकोनॉमी रेट बता दें 7.10 का है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर की फ्लॉप गेंदबाजी के कारण टीम इंडिया मैच हारते हारते बची। कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को मौका देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो वही रोहित शर्मा अगर शहबाज अहमद को वाशिंगटन सुंदर की जगह मौका देते तो टीम इंडिया को जबरदस्त का फायदा होता। आज शहबाज अहमद की बाएं हाथ से खतरनाक स्पिन गेंदबाजी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए काल साबित भी हो सकती थी। बता दें, वही शहबाज अहमद अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को मैच जितवाने का भी जो है वो दमखम रखते हैं। और साथ ही शहबाज अहमद ने 29 आईपीएल मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 18.6 की औसत से 118.72 के स्ट्राइक रेट की 279 रन बनाए। वही शहबाज अहमद ने गेंदबाजी में 13 विकेट हासिल किए। शहबाज अहमद का इकोनॉमी रेट आपको बता दें 8.58 का है। वही शहबाज अहमद का बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 7 रन देकर 3 विकेट रहा। शहबाज अहमद ने भारत के लिए 3 वनडे मैचों में 3 विकेट लिए हैं।